हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर पर आप खुद से तीज त्यौहार में मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फेस को अच्छी तरह से धो लेना है और उसे अच्छी तरह से पोंछ लें, यानी चेहरे पर पानी बिल्कुल भी ना रहे। फिर आपको सबसे पहले फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाना है। यहाँ पर मैं निविया का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। इसको पूरे फेस पर अच्छी तरह से मिला लें। फिर इसके बाद आपको फेस प्राइमर लगाना है। ये मार्स का फेस प्राइमर है। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप मेकअप करते हो तो मेकअप में होने वाले केमिकल से आपके फेस को बचाता है, और साथ ही साथ ये मेकअप को अच्छी तरह से आपके चेहरे पर सेट भी करता है। प्राइमर लगाने के बाद 2 से 3 मिनट रुकें, फिर उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करें। यहाँ पर मैं बॉबी ब्राउन का फुल कवरेज फाउंडेशन ले रही हूँ। ये मैक का ब्यूटी ब्लेंडर है। ब्यूटी ब्लेंडर को अप्लाई करने से पहले आपको इसे पानी में डुबा लेना है और उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें। ब्यूटी ब्लेंडर पे फाउंडेशन अप्लाई करें और टैप टैप करके फेस पर अप्लाई करें। स्वाइप नहीं करना है आपको ब्यूटी ब्लेंडर, टैप टैप करना है। थोड़ा टाइम लगाएं फाउंडेशन चेहरे पे लगाने पे, ऐसा नहीं कि आप फटाफट फटाफट फाउंडेशन अप्लाई कर दें, क्योंकि फाउंडेशन चेहरे पे मेकअप का बेस होता है। इसलिए फाउंडेशन चेहरे पर अच्छी तरह से लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मेकअप परफेक्ट होगा। थोड़ा सा नेक एरिया पे भी फाउंडेशन लगा लें, क्योंकि चेहरा आपका मेकअप की वजह से गोरा दिखने लगेगा और नेक एरिया ब्लैक रहेगा, इसलिए थोड़ा सा फाउंडेशन नेक पर ही अप्लाई करें। उसके बाद मैं ले रही हूँ टूटी फ्रूटी का ये आई शेडो पैलेट में है मेरे पास। सबसे पहले मैं आई शेडो में सैंडी ब्राउन ले रही हूँ। शेड को हमें आईज़ के ऊपर अप्लाई करना है अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। हल्के हाथों से आपको आई शेडो लगाना है। फिर उसके बाद मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ। इसको आईज़ के आउटर कॉर्नर साइड में मैं लगा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं ग्लिटर पिंक कलर ले रही हूँ। इसको मैंने इनर कॉर्नर से लेकर जहाँ पर मैंने ब्राउन शेड दिया था वहाँ तक मुझे लगाना है। अब पूरे आईज़ में इसे ना लगाएं, क्योंकि आउटर साइड में हमने ब्राउन शेड दिया है। आप कोई सा भी शेड ले सकते हो, जो भी आपको ग्लिटर पसंद हो। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पर्पल कलर लिया है। इस शेड को मैं बीच में लगा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं मैबलिन का जेल आईलाइनर ले रही हूँ।
अगर आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो आईज को थोड़ा साइड में खींच करके आप आईलाइनर अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छे से परफेक्ट आईलाइनर लग जाएगा। अब इसके बाद मैं लैक्मे का काजल ले रही हूँ। आपको आईज को थोड़ा नीचे साइड खींचना है, फिर उसके बाद आप काजल लगाएं। अगर आप थोड़ा मोटा काजल लगाना पसंद करते हैं तो 2 से 3 बार आप इसे आईज में अप्लाई कर लें। अब मैं लोटस का मस्कारा ले रही हूँ। आंखों को नीचे साइड प्रेस करते हुए आपको लैशेस में मस्कारा लगाना है और ऊपर की साइड करना है आपको प्रेस। पहले अपर लैशेस में लगाएंगे, उसके बाद लोअर लैशेस में लगाना है। उसके बाद मैं प्रो कंसीलर ले रही हूँ। अगर आपके चेहरे पर कोई भी ब्लैक स्पॉट है या डार्क सर्कल है उस पर आप इसे लगाएं, जिससे छुप जाते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें। अब आप प्रो कंसीलर के ऊपर से थोड़ा सा फाउंडेशन भी लगाएं ब्यूटी ब्लेंडर में और इसे भी ऊपर से अप्लाई करें। फाउंडेशन अच्छी तरह से चेहरे पर लग चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास रेवलॉन का फेस पाउडर है, इसे चेहरे पर लगा लें अच्छी तरह से। फिर ये मेरे पास मैक का ब्लशर है, इसको मैंने ब्रश से थोड़ा लगाया है, मुझे ज़्यादा ब्लशर अपने चेहरे पर पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। मैंने बिल्कुल लाइट सा ब्लशर अप्लाई किया है। फिर उसके बाद ये मेरे पास कॉन्टोर पैलेट है, इसमें से एक ब्राउन शेड में ले रही हूँ। इससे आपको चेहरे पर कॉन्टोरिंग करनी है। कॉन्टोरिंग करने से चेहरा थोड़ा सा पतला दिखने लगता है, क्योंकि मेरा चेहरा थोड़ा सा गोल है।
आपको पाउट बना करके इस तरह से कॉन्टोरिंग करनी है और फिर ब्रश से अच्छी तरह से इसे मिलाना है। फोरहेड पर भी थोड़ा सा कॉन्टोर करें। नोज एरिया पर और फिर ब्रश से उसे अच्छी तरह से मिला लें। फिर ये मैं हुडा का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसे चीक पर, नोज एरिया पर लगा लें थोड़ा थोड़ा। फिर ये मेरे पास एरियस का लिप लाइनर है, इसे मैं लगा रही हूँ। लिप लाइनर से क्या होता है, अगर आपके लिप्स में शेप नहीं है तो इससे आप शेप बना ले। और फिर इसके बाद मैं मैवलिन न्यूयॉर्क से सुपर स्टे मैटे लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक लगाने से पहले हो सके तो थोड़ा सा लिप पे लिप मॉइस्चराइज़र लगा ले। अब मैं यहाँ पर बिंदी लगा रही हूँ। मेकअप डन हो चुका है, इसके बाद मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। आपको आइज क्लोज करके मेकअप फिक्सर यूज़ करना है। थोड़ी देर मेकअप फिक्सर सूखने दें। मेकअप डन हो चुका है, अब मैं अपनी साड़ी पहन लूँगी जो मुझे पहनना है। उसके बाद जो भी आपको ज्वेलरी पहननी है उसे निकाल लें। इसके पहले मैं अपनी हेयर स्टाइल बना लूँगी। अगर आप मांग टीका लगाना चाहते हैं तो मांग टीका के लिए पहले सेट कर लें बालों को। बालों को अच्छी तरह से सुलझा लें। मांग टीका को लेकर के मैंने मिरर में देख करके अच्छी तरह से सेट कर लिया है। जितना भी आपको नीचे या ऊपर रखना है आप भी सेट कर सकते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद आप हेयर पिन लगाएं। मांग टीका सेट करने के बाद मैं अपने हेयर पे पफ बनाऊंगी। कुछ ज़्यादा हैवी स्टाइल मैं नहीं रख रही हूँ हेयर की। पीछे अच्छी तरह से बालों को पकड़कर थोड़ा सा आगे साइड प्रेस करें और फिर हेयर पिन लगा लेंगे। मैंने पहले एक छोटा सा क्लचर लगा लिया है, फिर उसके बाद मैंने हेयर पिन से बालों को सेट कर लिया है। उसके बाद मैं पीछे के सारे बालों को पकड़ करके एक जूड़ा बना लूँगी। अगर मांग टीका थोड़ा बहुत इधर उधर खसक रहा हो तो उसको अच्छी तरह से एक पिन लगाकर और सेट कर लें। मैं पीछे कोई हेयर स्टाइल नहीं करी, मुझे सिंपल से एक जूड़ा बनाना है, इसलिए मैंने बालों को फोल्ड करके उस पर जूड़ा पिन लगा ली है। और इसके बाद ज्वेलरी इयररिंग्स वगैरह मैं पहनूंगी।
अगर आपकी हेयर स्टाइल थोड़ा हैवी है तो आप चाहो तो गले का सेट पहले से पहन सकते हो। ध्यान से पहनें जिससे आपकी हेयर स्टाइल बिगड़े नहीं। साड़ी और ज्वेलरी मैंने कहाँ से परचेज़ की है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूँगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो जा कर के चेकआउट करें। नो स्पिन। इसे सिंपल सा आप बालों में फंसा लें, इसको पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लगा भी सकते हो। बैंगल्स भी मैंने साड़ी के हिसाब से पहन ली है। इस तरह से आप घर पर ही तीज, करवा चौथ और जो भी फेस्टिवल आते हैं उस पर आप घर पर भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।